सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड नंबर 18। तो गाइज जैसा कि याद होगा आपको, पिछले वीडियो में हम लोग बहुत बड़ा गोल्ड फार्म बनाया था जिससे कि मेरे को बहुत सारा गोल्ड तो मिल चुका। अच्छा बट अभी मेरे को ज़रूरत था वुड का, वुड मेरे पास था ही नहीं और वुड फार्म बनाना था। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले बहुत ही बड़ा और ऑटोमेटिक वुड फार्म। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और गाइस वीडियो पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो जो पहले हम लोग को जहाँ बनाना है पहले वो जगह देख लेते हैं हम लोग कहाँ बनाएंगे ऐसे, जो मेरे को बनाना है पहले। तो मेरा अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब पूरा एरिया छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और इधर में गोल्ड फार्म का बगल मैंने थोड़ा सा एरिया खाली किया था, तो मैं तो सोच रहा हूँ गोल्ड फार्म का बगल में ही बना लेते क्योंकि वही जगह सही है, वो खाली भी है और वहाँ बनेगा भी क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। उससे पहले गाइस इसमें हम लोग को चाहिए बहुत सारा TNT और बहुत सारा बोन मिल। बोन मिल तो मैं पहले से बना के रखा हूँ, तो देखो पर इसमें बहुत सारा ही बोन मिल लगता है भाई। और ये देखो मेरा गोल्ड फार्म क्या मस्त लग रहा है। तो चलो गाइस पहले चल के देख लेते मेरे पास कितना सारा बोन मिल कलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं शुगर केन से कंपोस्टर में उसको कन्वर्ट करके बोन मिल बनाते हैं, क्योंकि एक बार बोन मिल फार्म बनाए थे मेरा वर्क नहीं कर रहा था। ये देखो एक चेस्ट में मतलब आधा है, इतना तो है मेरे पास और नीचे वाला चेस्ट में भी होगा, हाँ इतना आई थिंक। पर इसमें बहुत सारा लगता है क्योंकि ऑटोमेटिक बनने वाला और डायरेक्ट होने वाला है, इसलिए इसमें बहुत सारा लगने वाला है। तो कोई नहीं, चलो इतना तो मेरे पास है और अभी इसमें थोड़ा बहुत और अभी मैंने शुगर कैन डाल दिया जिससे कि वो कन्वर्ट होकर बोन मिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो पहले तो हम लोग फार्म को बनाने स्टार्ट करते, तब तक ये भी और बोन मिल कलेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ यहीं पर बनने वाला है हम लोग का गोल्ड फार्म और बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो चलो काम स्टार्ट करते बनाना। ये जगह सही है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कंजे, देखो जितना भी सामान चाहिए मेरे को मेरे चेस्ट में रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए एक डिस्पेंसर और एक लीवर। तो सबसे पहले तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक डिस्पेंसर लगेगा, तो उसके ऊपर हम लोग को एक लीवर लगा देना है। लीवर है ना मेरे पास, हाँ लीवर लेके आए थे यहाँ पर, इसके ऊपर में जस्ट एक लीवर लगा देना। उसके बाद हम लोग को एक ऑब्जर्वर इस तरफ से लगाना है और एक इस तरफ से जो कि कनेक्ट हो जाएगा और उसमें ब्लिंक होने लगेगा रेड लाइट। ये हो जाने के बाद हम लोग को अब यहाँ पर साइड में हॉपर चाहिए, हॉपर एक हॉपर है ना मेरे पास, हाँ हॉपर है, हॉपर और चेस्ट। तो अब हम लोग को कुछ इस टाइप से हॉपर कनेक्ट कर देना है, फिर हॉपर के ऊपर एक चेस्ट लगा देना। लग भाई, हाँ लग गया। ये देखो ये सिस्टम हो जाने के बाद हम लोग को गाइस इस तरफ में कुछ चार पिस्टन लगाना है, जैसे एक लगा दिया, अब रुको, एक इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, मतलब चार पिस्टन लगेगा कुछ इस टाइप से। तो देखो गाइस एक एक प्रोसेस बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं फार्म पूरा बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है ये। तो ये देखो गाइस फाइनली हम लोग का पूरा फार्म ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है, बस इसके अंदर TNT ला के डालना है। और ये देखो कुछ इस टाइप से सेटअप लगा है, साइड साइड में ऑब्सीडियन इसलिए लगाया कि TNT का ब्लास्ट होगा तो उस तरफ का कुछ वॉल नहीं टूटेगा। बस हम लोग को इसमें TNT ला के डालना है और वो जितना भी पिस्टन्स लगा वो आपका जो भी ओक लॉग होगा ना उसको पुश करेगा, तभी हम लोग को मतलब आपको दिखाते हैं कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ से TNT बनाने। TNT के लिए मेरे को गन पाउडर चाहिए और गन पाउडर मेरा क्रीपर फार्म में होगा, जितना है क्रीपर मतलब मेरा यहाँ पर उतना बना लेते फ़िलहाल, क्योंकि ये देखो है मेरे पास अभी बहुत सारा गन पाउडर। और ये जो गन पाउडर फार्म है भाई क्रीपर फार्म, वो भी मेरा AFK है, अगर AFK बैठे रहेंगे तो हम लोग को मिलता है। ऐसे मेरे पास पूरा स्पेस भर चुके हैं, स्पेस थोड़ा खाली कर देते इसमें, फिर उसके बाद जो जो फालतू चीज़ है उसको रख देते हैं और फिर चलते हम लोग TNT बनाने, क्योंकि TNT बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लगेगा इस बोन मिल का, बोन मिल बहुत सारा लगता है भाई। बोन मिल फार्म अगर आप ये फार्म बना रहे हो तो आपको बोन मिल फार्म तो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोन मिल का ये फार्म वर्क ही नहीं करता है और बहुत सारा ही बोन मिल लगता है। चलो इतना तो मेरे पास गन पाउडर काफ़ी है, अब चलते हम लोग यहाँ से कासल के अंदर और कासल में पहले बना लेते TNT। तो गाइस बहुत दिन से हम लोग खाली अपना सर्वाइवल सीरीज़ में फार्म ही बना रहे, तो इस बार हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना आर्मर बनाएंगे, वो भी नेदरराइट का। तो ये हमारा लास्ट फार्म है वुड फार्म का, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत था। अभी मेरे को सैंड का ज़रूरत है पर मेरे को मिलने वाला नहीं है पता है, क्योंकि सिर्फ TNT बनाने के लिए सैंड चाहिए, मेरे पास सैंड है नहीं। ऐसे सैंड होगा नीचे मेरे पास, बहुत सारा सैंड है यार मेरे पास, था एक चेस्ट तो भरा हुआ, इसमें तो गोल्ड है, इसमें नहीं है, इसमें आई थिंक होना चाहिए एक, बस एक चीज़ है यार, एक स्टैक से तो कुछ होगा नहीं है यार, और मेरे पास है, रुको मेरे को देखना होगा, बहुत सारे यार यहाँ पर चेस्ट सब रखा हुआ, इसमें नहीं है, इसमें तो वूल है, इसमें 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 देख लेते हैं, नहीं ये तो खाली है, हाँ ये देखो गाइस मैं बोला ना मेरे पास बहुत अभी भी स्पेस भरा हुआ है यार। जो फालतू चीज़ें ना उसको हटा देते हैं, ग्लास के से सब का काम नहीं है, जो जो फालतू है पहले सैंड रख लेते यार, इतना सैंड में तो हम लोग का TNT बन जाना चाहिए, क्योंकि TNT एक बार बना के उसमें डाल देने से फिर कोई दिक्कत नहीं हो, अपने ब्लास्ट होते रहेगा। पर ये TNT का बहुत ज़रूरत पड़ता है यार, देखते कितना बन जाता है।
अभी तो बहुत सारा बनेगा ही क्योंकि मेरे पास गन पाउडर इतना सारा है, और मेरे पास वो क्रीपर फार्म में भी है और जब हम पूरा नहीं लिए थे। चलो गाइज, हम लोग का TNT पूरा बन चुका है, तो चलो अब एक बार जाके इसमें डाल देते और चेक कर दे कि कैसे वर्क कर रही है फार्म। पर ऊपर जाने के लिए हम लोग को एक लैडर लगाना होगा, मतलब यहाँ वॉल्व खड़ा करके लैडर्स, क्योंकि 10 बार तो हम लोग ये फालतू डर्ट से तो नहीं आएंगे ना, इससे लुक ख़राब होता है। अभी ये क्या हो गया, खोलते इसको अंदर। खुल भाई खुल, खुलते ही नहीं है। कोई नहीं, आगे से करके देखते हैं क्या हो रहा है। रेस्टोरेंट लगा इसलिए नहीं खोल रहा है। देखो गाइस इतना TNT है अभी हम लोग के पास, इसको डाल देते हैं। अब चलते नीचे और इसको चेक करते कि ये कैसे ढंग से वर्क तो कर रहा ना, कहीं पता चला कि हम लोग का मशीन ही वर्क नहीं कर रहा ढंग से। तो ये देखो गाइस हम लोग का TNT ऊपर में हम लोग डाल चुके हैं। चलो एक बार ऑन करते हैं। चलो एक बार गिर चुका, देखते अब कैसे वर्क कर रहा। ये देखो ब्लास्ट हुआ, कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा, इसीलिए साइड साइड में मैंने ऑब्सीडियन लगा दिया है। पर आगे नहीं लगाया यार, आगे भी लगाना होगा। इसमें मेरा सारा बहुत सारे यार, एक स्टैक से ज़्यादा ही ऑब्सीडियन भी लग चुका है। कोई नहीं, पर इतना काफ़ी है। चलो ये हो गया गाइस, अब चलते हैं हम लोग बोन मिल लेने, क्योंकि बोन मिल भाई इसमें तो बोला मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि बोन मिल का बहुत काम है। तो बोन मिल लेके आते हैं, और मेरे पास और बोन मिल तो कलेक्ट हो गया था। और गाइस ये सबसे बेस्ट चीज़, अगर आपको भी बोन मिल बनाना है तो फार्म से बने आप शुगर केन फार्म बना लो अनलिमिटेड, और उसको कंपोस्टर से कन्वर्ट कर लो, वो बेटर है। बट ये ज़्यादा आपको शुगर केन लगता है, बट शुगर केन ग्रो होने में टाइम थोड़ी ना लगता हो, तो आप अनलिमिटेड बना सकते हो। अभी तो मेरा स्पेस भर चुका है, कोई नहीं, पहले जाते जितना है मेरे पास उतना रख देते। और यहाँ पर थोड़ा ना अच्छा से हम लोग को आने जाने का प्रोसेस करना होगा यार, ये ट्रैप डोर वाला ना एंट्री फालतू है, इसमें गुस्सा आता है। तो चलो पहले जाके हम लोग के पास जितना बोन मिल है उसको हम लोग डाल देते हैं। इसके बाद हमको बोन मिल और बड़ा बनाना होगा बोन मिल फार्म, क्योंकि इसमें बहुत सारा ही बोन मिल लगता है इसमें, क्योंकि भाई ग्रो होते रहता है। और एक सैपलिंग्स ग्रो होने में आई थिंक कोई कोई तो एक स्टैक से भी ज़्यादा का बोन मिल ले लेते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो भाई कितना सारा। कोई कोई तो जब मतलब एक बार में ही ग्रो हो जाता है, पर कोई कोई ग्रो होने में टाइम लगता है। अभी पहले क्या करते हैं, चेस्ट पूरा भर देते हो और जितना भी वो डिस्पेंसर को भी भर देते, क्योंकि बोन मिल तो लगने वाला है, मेरे पास जितना है उसको पहले भर देते हैं इसमें। तो चलो गाइस फाइनली बोन मिल तो डाल चुके हम लोग, अब चलते सैपलिंग्स लगा के ग्रो करते पहले ट्रीज, देखते कैसे वर्क कर रहे। बस हम लोग को इसमें देखो इतना सारा भाई मैंने पूरा भर चुका हूँ, अब इसमें डाल के बस लीवर को ऑन कर देना। और ये देखो आप लोग पूरा उसमें बोन मिल लगने लगा, और एक एक करके अब ट्री ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो उतना देर से मतलब ये बहुत सारा बोन मिल लग चुका है, बट अभी तक हुआ नहीं, तो आप लोग समझ सकते हो बोन मिल बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस फाइनली हम लोग का भाई कितना सारा वुड ए बोन मिल लगता है, बट इसमें हम लोग को वुड भी बहुत सारा मिलता है, आप देख सकते हो भाई। अब तो हम लोग पास वुड ही वुड होगा, अब तो वुड का कमी ही नहीं भाई, अब वुड का ही जो बनाना वो बना सकते हैं। लोग अनलिमिटेड, अब चलो इन लोग इसको पहले कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको ऑन कर दिए हम लोग, गिरा बूम। ये देखो गाइस इतना सारा मतलब इसको, बट यही है कि जब ब्लास्ट होता है ना तब बड़ा मस्त हम लोग को कलेक्ट बहुत सारा अनलिमिटेड मिलता है यार, इसमें मज़ा आ जाता है। तो गाइज़ हम लोग का फाइनली बन चुका है, अब वुड फार्म भी अब कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो है ना इसको थोड़ा ऑटोमेटिक करना होगा, क्योंकि ये ना हम लोग को बार बार लीवर अप डाउन करना पड़ता है, तब ये देखो एक बार गिर गया फिर लीवर अप डाउन करेंगे तब गिरेगा, तो ये थोड़ा सिस्टम सही नहीं है। उसको मैं भी उसको भी ऑटोमेटिक कर देंगे। ये देखो गाइज वहाँ पर ऑब्सीडियन लगा, तो ये देखो भाई एक बार में कितना सारा मेरे को मिला, और ये देखो इतना सारा अभी तक मिल चुका है। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।